बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 0222300 1634 या फिर आप हमें 0222300 1635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusinessOnline और सोशल मीडिया साइट x.com पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए, #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल के बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ है प्रॉफिट मार सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज बाजार का हाल कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लें। तो शेयर बाजार में आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। सपाट शुरुआत के बाद बाजार में रही आई जोरदार खरीदारी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 195 अंक चढ़कर 72,500 पर पहुंचा। निफ्टी में लगभग 32 अंकों की आज तेजी रही और 21,983 के लेवल पर यह बंद हुआ। बैंक निफ्टी में लगभग 158 अंकों की तेजी रही और 46,121 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी रही मेटल और बैंकिंग शेयरों में, जबकि आईटी और हेल्थ केयर में आज नरमी दर्ज की गई। और आइए अब एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं बाजार में आज शानदार तेजी की बड़ी वजहें क्या रही। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त उतार चढ़ाव। अमेरिकी मिले जुले संकेत और कल बाजारों ने जो कमजोरी दिखी, 22,000 के नीचे निफ्टी बंद होता दिखा और 46,000 के नीचे बैंक निफ्टी, तो थोड़ा सेंटिमेंट तो खराब हो चुका था। शुरुआत सुस्त हुई और शुरुआती घंटा डेढ़ घंटा बाजार ताकत आजमाने में लगा कि ऊपर जाए नीचे जाए ऊपर जाए नीचे जाए, और बार बार ऊपर आने की कोशिश करता था, लेकिन जैसे आता 22,000 के आसपास वहां पर पिटाई। नीचे में 21,900 के नीचे आते ही खरीदारी शुरू, यही हाल बैंक निफ्टी का। 46,000 और इसके थोड़ा ऊपर आने पर प्रॉफिट बुकिंग, नीचे में 45,650-750 की रेंज में आने पर खरीदारी। फाइनली आखिरी डेढ़ घंटा बड़ा एक्शन भरा रहा, जहां ऊपर नीचे दोनों के ट्रेड बनते हुए नजर आए और मामूली 31 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी 22,000 से थोड़ा सा नीचे बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, थोड़ी सी बेहतर थी क्लोजिंग। लेकिन मजे की बात आज दिखी है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। लगातार चौथा दिन ऐसा था जब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सुबह बहुत अच्छे गिरे, बढ़िया वाले, मतलब फर्स्ट क्लास, आधे से 1% तक की कमजोरी दिखी। लेकिन दोपहर के बाद जो यूटर्न मारा इन्होंने, जो रिकवरी पूछिए मत, मतलब डे हाई पर जाकर अच्छी खासी तेजी, आधा परसेंट मजबूत होकर बंद हुए। और यही वजह थी कि सुबह जब कमजोर शेयर काफी ज्यादा थे, बंद होते होते मजबूत और कमजोर शेयरों की संख्या लगभग बराबर होती दिखी। यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आज का ट्रेडिंग सेशन बुरा था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि ओवरसोल्ड थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो पर, और वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का दिन जब हो तो फिर शॉर्ट कवरिंग आना तय थी। तो लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग ये सपोर्ट देती हुई दिखी, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग और कॉन्फिडेंस की कमी ये आपको मुनाफा वसूली भी दिखाती हुई नजर आई। और यही वजह कि दिन भर 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी, 300-400 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी ने धड़ाधड़ उतार चढ़ाव दिखाया और फाइनली हल्के हरे निशाने जाकर आज इस सीरीज की समाप्ति। और आइए FIIs और DIIs के डेटा देख लेते हैं। आज हमने देखा FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में तगड़ी खरीदारी की है, 3,568 करोड़ रुपए की खरीदारी, और DIIs की तरफ से करीब 230 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े आए हैं सामने। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर इनसे करते हैं बात। अविनाश सर, आज तो बाजार से अच्छे संकेत ही मिले हैं, मंथली एक्सपायरी का दिन भी रहा, समझना चाहेंगे फिलहाल अब आने वाले दिनों में बाजार के लिए कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? स्वाति, पहली बात तो देखिए, आज जो जीडीपी का आंकड़ा आ गया है वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को काफी पसंद आएगा। 8.4% का जो आंकड़ा आ गया है वो उम्मीद से काफी बेहतर आ गया है मेरे ख्याल से। देखिए, मार्केट में जो यू टर्न आया है सेकेंड हाफ में, आज जो अनिल जी कह रहे थे, मुझे लग रहा है कि इसका मेन कारण यही था कि मैक्रो नंबर्स पे बहुत बड़ी यू नो इम्प्रूवमेंट इलेक्शंस के पहले ही आंकड़ा आ गया है, तो मार्केट डेफिनेटली इस आंकड़े को अहमियत देगी। और कल सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैक्रो इकोनॉमी रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जैसे कैपिटल गुड्स है, ऑटो है, सीमेंट है, इंफ्रा है, यहाँ पे आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। दूसरा, सेमी कंडक्टर्स को लेके तीन बड़े प्लांट्स
एक सीजी पावर का ग्रुप, दूसरा टाटास के दो प्लांट अनाउंस हो चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी यू नो पॉजिटिव साइन है कि इंडिया बेसिकली डिजिटलाइजेशन की तरफ मुड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो दो न्यूज फ्लोज मार्केट में आज आ गए हैं, इसका इम्पैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए अभी नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, अभी जो भी होगा वो मेरे ख्याल से इलेक्शन ओरिएंटेड होगा। मार्केट अभी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि इलेक्शन का डेट कब अनाउंस होगी, लेकिन जिस प्रकार का मैक्रो नंबर आ गया है, मेरे ख्याल से मार्केट्स उम्मीद लगा रहा है कि अभी आज जो यूएस में यू नो इंटरेस्ट रेट और एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, उसका भी थोड़ा बहुत असर आपको कल के बाजार में देखने को मिलेगा। बट नेट नेट अच्छे मिड कैप्स और अच्छी कंपनीज में खरीदने के मौके मुझे लगता है अभी भी पॉसिबल है मार्केट में। थोड़ा सा आपको सिलेक्टिव जरूर रहना है, बट डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। इन्वेस्टर्स को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए अगर उनकी सिलेक्शन कंपनी की अच्छी है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आगे भी अच्छे हैं। ओके, तो रही बाजार पर अविनाश जी की तरफ से, अविनाश जी पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए स्वाति, पोजिशनल व्यू के लिए हमने आपके चैनल पे ये स्टॉक पहले भी कहा था, जो नजरिया 8 से 12 महीने के लिए, कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल। देखिए ये स्टॉक लगातार थोड़ा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन इस कंपनी की जो पोजिशनिंग हम देखे तो ये कंपनी इंडिया की ओनली प्लेयर है जो वीसा प्रोसेसिंग में काम करती है, और जिस प्रकार का आउटफ्लो अभी इंडिया से यू नो बाकी सारे आउटसाइड कंट्रीज में हो रहा है, इनके पास 67 कंट्रीज का वीसा प्रोसेसिंग का अप्रूवल है। अभी हाल ही में इन्होंने टर्की में एक बड़ी कंपनी खरीदी है जो अगले साल FY25 में एक अच्छी खासी कमाई और प्रॉफिट कमाएगी। पिछले साल 1500 करोड़ पे 200 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस साल कम से कम 300 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, और अभी हाल ही इन्होंने BLS ई सर्विसेज नाम की कंपनी का पब्लिक इशू हो गया था, तो इसका भी वैल्यू अनलॉकिंग कंपनी को मिला, करीबन 68% इस कंपनी में BLS इंटरनेशनल का है। तो मुझे लग रहा है कि 360-365 का अभी जो लेवल है बहुत अच्छा है, अगर किसी को साल भर का नजरिया रखना है कम से कम 440-450 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी करें। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, और सबसे बड़ी बात इनको कोई इक्विटी डाइल्यूशन की भी जरूरत नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा अगर आपका साल भर का नजरिया है। तो ये रही आपके लिए पोजिशनल राय BTS माफ कीजिए BLS इंटरनेशनल में। सर एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस रिपीट कर देंगे अविनाश सर प्लीज? देखिए स्वाति, ये बेसिकली वन ईयर का इन्वेस्टमेंट है, तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे हम आपको स्टॉप लॉस तो नहीं दे सकते, लेकिन टारगेट प्राइस मेरा 440-450 है। पोजिशनल व्यू के लिए मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जो बेसिकली 8 से 10 दिन के लिए। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक आपने बताया है हमें लंबी अवधि के लिए BLS इंटरनेशनल में, 450 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं, पहले कॉलर से बात करें, दिल्ली से कुमार जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी नमस्कार, मेरे पास 3 स्टॉक के सवाल है। पहला है PTC इंडिया, ये 400 क्वांटिटी है 237 के रेट से, तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें एवरेज डाउन करना चाहिए। और सेकंड है महानगर गैस 1100 के रेट से, 1100 के रेट से है ये 200 क्वांटिटी। और तीसरा मुझे साउथ इंडियन बैंक ले रखा है 9000 शेयर 25 के रेट पे, तो इनमें इनका और साउथ इंडियन बैंक में जो राइट्स इशू आ रहा है मुझे उसके बारे में पूछना है, उसमें क्या करना चाहिए? ओके सर, पीटीसी इंडिया, महानगर गैस और साउथ इंडियन बैंक, अविनाश जी क्या रहेगी राय आपकी? देखिए पहली बात तो महानगर गैस में इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं प्लस जो LNG की कीमतें हैं, जो मेन रॉ मटेरियल होता है गैस कंपनीज का, उसमें काफी भारी कटाई हमको देखने को मिली है, और प्लस किरित पारिक कमेटी के आने के बाद जो प्राइसिंग है इसमें डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको इनके प्राइसिंग में देखने को मिला है। प्लस ये ऑटो सेक्टर को ज्यादातर केटर करते हैं, प्लस PNG यानी रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए भी गैस सप्लाई करते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कम से कम 1550-1600 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करें। दूसरा कौन सा स्टॉक था मुझे वापस बताइए सर? PTC इंडिया है और साउथ इंडियन बैंक है। देखिए अगर साउथ इंडियन बैंक की बात करें, इन्होंने राइट्स इशू की बात की थी, तो मुझे लगता है कि देखिए राइट्स इशू इनको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस डिसम्बर क्वार्टर में आया है, प्लस जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री है, यहाँ पे फेयर वैल्यू अगर हम देखें तो कम से कम 44-45 का बनता है,
तो राइट्स इशू का जो बेनिफिट है इससे इनकी कॉस्ट थोड़ी सी एवरेज आउट भी हो जाएगी, प्लस अगर नजरिया आपका 12-15 महीने का है तो करीबन 44-45 का टारगेट प्राइस ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात पीटीसी इंडिया पे, तो मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। अभी पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रेडिंग, ये तीनों सेगमेंट्स में ग्रोथ बहुत भरपूर दिख रहा है। अगले 2-3 साल के लिए पावर एक बहुत बड़ा थीम रहेगा, तो नजरिया कम से कम 1.5-1.5 साल का रखिए और यहाँ पे होल्ड करिए। मेरे ख्याल से अभी एवरेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नजरिया कम से कम 12-15 मंथ्स का रखिए। बिल्कुल, तो आपके तीनों स्टॉक्स पर ये राय रही अविनाश जी की तरफ से। मुंबई से भगवान जी हमारे साथ हैं अगले सवाल के लिए। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहेंगे। जी मैडम नमस्ते। मैडम मैंने आपको लिया है इंडियन रेन एनर्जी का 1000 घंटे के लिया है, ऑलरेडी तो 214 से रिटर्न हो चुका है, अभी मेरे को क्या करना चाहिए। स्टॉक एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर। इंडियन रेन एनर्जी का मेरा 1000 क्वांटिटी है, तो उसको अभी मेरे को हटाना चाहिए कि रखना चाहिए आज। कितने टाइम का होराइजन के लिए चाहिए आपको? 4-5 महीने के लिए अगर होगा तो क्या रहेगा उसका वैल्यूएशन? अच्छा, कितने में लिया आपने बताया? नहीं मैडम, लिया था 1989 में। 19 ने, एक मिनट, स्टॉक प्राइस पर से बताइए। 89 में लिया था। अच्छा एक बार स्टॉक प्लीज फ्लैश कर दीजिए, उस पर हम अपने एक्सपर्ट से राय मांगेंगे। इंडियन टेरेन की बात कर रहे हैं सर, 89 में इन्होंने खरीदा था 79 के भाव पर। सर जानना चाहेंगे क्या राय रहेगी आपकी इस पर। देखिए पहली बात तो इंडियन टेरेन एक रिटेल आउटफिट है, रिटेल नेटवर्क चलाते हैं बैंगलोर में, और बेसिकली इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से देखिए इनको 5 महीना नहीं, कम से कम साल भर का नजरिया यहाँ पे रखना चाहिए। देखिए कंपनी अच्छा काम कर रही है, लेकिन जिस प्रकार का ग्रोथ ट्रैक्शन और जिस प्रकार के नंबर्स ये आगे जनरेट करेगी, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लंबा समय के लिए अगर ये इन्वेस्टेड रहे करीबन 12-15 महीने, तो ही इनको नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट अच्छा खासा मुनाफा भी मिल सकता है। कंपनी अच्छी है, इनके ब्रांड्स भी अच्छे हैं और रिटेल स्पेस में ये काफी डिफरेंशिएटेड प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि 87 में इन्होंने खरीदा है, तो अगर नजरिया आपका 12-15 महीना है तो ही आप इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकते हो, तो फिलहाल होल्ड करने की राय। आपको यही राय आ रही है आपके स्टॉक पर। दिल्ली से प्रवीण जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका। मुझे मैम इसके बारे में जानकारी है, टाटा केमिकल जिसके एवरेज है 1020 किया था, और जिसका एवरेज 607, और तीसरा है एक्स सॉल्यूशन जिसका एवरेज बाइंग है 1380। ओके, टाटा केमिकल्स और बाकी दो स्टॉक एक बार फिर से प्लीज बता देंगे प्राइस के साथ। दूसरा है जीएसएफ। ठीक है, और तीसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने सर? एक्स प्लियो सॉल्यूशन। ओके, कब तक ले रखना चाहेंगे? वन ईयर अराउंड वन। ओके, साल भर का नजरिया सर इनका स्टॉक्स पर है ये। टाटा केमिकल से राय लेना शुरू करेंगे सर। अविनाश जी देखिए टाटा केमिकल्स मेरे हिसाब से एक साल नहीं, थोड़ा सा लंबा इनको निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, सोडा ऐश में ये नंबर वन है, लेकिन अभी हाल ही में सोडा ऐश की कीमतें काफी ऊपरी लेवल से घटी है, और इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि दिसंबर क्वार्टर भी थोड़ा सा इनका नरम आ गया है। आने वाले दिनों में ये कंपनी कोशिश कर रही है कि नए बिजनेसेस में एंटर करे, इनफैक्ट लिथियम बैटरीज भी बनाने की बात चल रही है, अगले 1.5-2 साल में इनका प्लांट शुरू हो जाएगा, तो नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए। मुझे लगता है एक साल नहीं, यहाँ पे कम से कम 1.5-2 साल का इनका नजरिया होगा तो ही ये अच्छा पैसा इसमें कमा पाए। और दूसरा स्टॉक कौन सा था स्वाति? ओके सर, जीएसएफसी पर भी राय लेना चाहेंगे। देखिए जीएसएफसी हमको लग रहा है कि काफी अंडरवैल्यूड लग रहा है, लेकिन नतीजे जो दिसंबर क्वार्टर के आगे वो थोड़े से नरम थे, लेकिन जिस प्रकार का इनका केमिकल का फोकस है और स्पेशलिटी केमिकल्स में अभी वापस एक बाउंस हमको दिख रहा है,
नजरिया कम से कम 6 to 12 months का रखिए, और अगर आप इन्वेस्टेड है तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा समय यहाँ पे दे दीजिए। कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत ही अंडर वैल्यूड है। इनके पास जो इन्वेस्टमेंट्स है वो करीबन 3.5-4 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स है, प्लस इनकी जो कोर बिजनेस है वो भी काफी अच्छी तरह से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड कर। सर एक्सपेलियो सॉल्यूशन पर भी ये राय लेना चाहेंगे, कुछ आपका सजेशन रहेगा? ठीक है, मेरे ख्याल से एक्सप्लोरियो सॉल्यूशंस एक ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड यू नो काइंड ऑफ बिजनेस में काम करती है। थोड़ा लिक्विडिटी का इशू है, लेकिन यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि मुझे पता नहीं कौन से प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है, लेकिन ये स्टॉक बहुत वोलेटाइल है। अगर नजरिया आपका 1.5 साल का है तो यहाँ पे भी होल्ड करिए। हालांकि इसमें लिक्विडिटी कम होने के कारण स्टॉक काफी ऊपर नीचे होता है, बट बिजनेस काफी अच्छा है और आने वाले दिनों में हमने ये भी सुना है कि इसमें एक बड़ा सा पब्लिक इशू आने वाला है, डाइल्यूशन आने वाला है, तो तभी शायद लिक्विडिटी ठीक ठाक होगी। तो फिलहाल आप होल्ड करिए, पर नजरिया कम से कम 12 से 15 महीना यहाँ पे रखना जरूरी। जी अगले कॉलर है राजस्थान से मनमोहन जी, उनसे बात करें। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम। नमस्कार अविनाश सर। जी पूछिए सर। मैम मेरा पहले तो मेरा एक महीने बाद जाके आज कॉल लगा है। मैम मेरे पास एनटीजी के शेयर हैं 53, 2095 के रेट से है मैम, और एक डीजे प्लास्टिक का है 313 शेयर, ये 201 रुपए की रेट खरीद पर है। मैम लंबा नजरिया है तो बताइए कितने, सर से पूछना आता है कि कितने दिन रोक सकता हूँ, रोकना चाहिए मुझे? डीडे प्लास्टिक पे लगभग 200 बताया आपने सर? मैम 313 शेयर। अच्छा 313 शेयर खरीद, बताइए 201 रुपया 50 पैसे। अच्छा, और पहला स्टॉक कौन सा बताया आपने? एचईजी। और इसमें कब तक की आपको चाहिए राय? मैम 3 साल से तो होल्ड है, और भी रख सकता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खरीद जल्दी से बता दीजिए प्लीज। 2095। अच्छा 2095 सर। दोनों ही स्टॉक्स में थोड़ा सा ऊंची खरीद में एचईजी में स्पेशली, क्या रहेगी राय आपकी? देखिए अगर हम हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट्स यानी एचईजी की बात करें तो ये कंट्री का दूसरा बड़ा प्लेयर है ग्राफाइट इंडिया के बाद, जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं और जो स्टील सेक्टर में बहुत काम आता है। मैं ये कहूंगा कि इनका प्रोडक्ट काफी यूनिक है, लेकिन ग्लोबली यू नो चाइना इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, और इसी कारण से हमने तीसरे तिमाही के जब रिजल्ट्स देखे बहुत ही खराब नंबर्स कंपनी ने प्रेजेंट किए, प्लस कॉमेंट्री भी थोड़ी सी खराब थी। ठीक है, ऐसे कंपनीज में हम साइक्लिकल स्टॉक्स को इनको मानते हैं, और जब तक साइकिल ठीक ठाक नहीं होती तब तक कम से कम 1.5 साल और शायद लंबा समय के लिए ये स्टॉक ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट देखना चाहेगा कि प्राइसेस कैसे ग्लोबली यू नो ऊपर जाते हैं जो अभी फिलहाल डाउन है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि कोई भी उछाल में अगर आप चाहें तो इससे निकल जाए, तो कोई दूसरा स्टॉक में पैसा लगाए, जैसे कि कमिंस इंडिया है, उसके बाद आपके पास अगर बैंकिंग में आपको कोई छोटा शेयर चाहिए तो IDFC फर्स्ट बैंक है, जो शायद आपको अगले 12-15 महीने में अच्छा पैसा दिला सकता है कंपेयर टू एचईजी। दूसरा स्टॉक जो डीडेव प्लास्टिक्स उन्होंने लिया, काफी अच्छी कंपनी है। देखिए इसमें अगर आपका नजरिया 12-15 महीना है तो ये स्पेशलिटी पॉलीमर्स बनाते हैं, और मेरे ख्याल से ये काफी यूनिकली पोजीशन्ड है, क्योंकि इनके जो क्लाइंट्स है इनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो मुझे लगता है काफी एनकरेजिंग है। इन्होंने 201 में लिया है, प्राइस करीबन 197 है। मेरे ख्याल से साल भर अगर हम देखें तो कम से कम 230-240 का एक नियर टर्म का टारगेट जरूर बन सकता है। हालांकि ये स्टॉक काफी भाग चुका है, बट यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स मुझे लगता है लॉन्गर टर्म के लिए काफी अच्छे लग रहे हैं। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रेटजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। अब जहां तक कल का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100-110 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिकी बाजारों से थोड़े कमजोरी के संकेत हैं ऐसा लग रहा है। 3 दिन से तो वैसे अमेरिकी बाजार डाउ पर थोड़े कमजोर हैं ही हैं, देखते हैं आज चौथे दिन भी थोड़ी कमजोरी दिखती है या नहीं। अब सपोर्ट का बेसिकली 21,875 अच्छे सपोर्ट का काम कर रही है निफ्टी पर, और कल भी करेगी, और ऊपरी स्तर पर 22,025 से लेकर 22,125 की रेंज वो है जहां आपको रुकावट आती दिखेगी। बैंक निफ्टी का सवाल है जहां तक 45,525, 45,650 ये 125 पॉइंट की रेंज अच्छा सपोर्ट है, हालांकि उसके पहले भी
45,850 एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कल नई सीरीज की शुरुआत है, दो ये सपोर्ट लेवल है इंपॉर्टेंट। ऊपर कितना जा सकते हैं? 46,325 से 46,525 की रेंज पहली है जहां पर जाकर बैंक निफ्टी रुकता अटकता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद देखेंगे और कितनी खरीदारी या ताकत बनती है। कल नई सीरीज की शुरुआत है, हल्के रहेंगे बाजार और देखते हैं इस हल्के बाजार में क्या कुछ फॉलो अप खरीदारी आती है। कल का पूरा मामला जो है ना वो वायदा कारोबार के डेटा पे नहीं, फ्रेश खरीदारी और बिकवाली पर डिपेंड करेगा। तो कल के सेशन का डायरेक्शन एफआईज और लोकल फंड्स के हाथ में रहेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, वैसे तो आपको ध्यान ही होगा, परसों यानी शनिवार को भी लाइव ट्रेडिंग सेशन है। जी हाँ, सुबह 9:15 से 10 बजे तक लाइव ट्रेडिंग होगी, और उसके बाद 11:30 से 12:30 एक घंटा और, क्योंकि डिजास्टर रिकवरी साइट DRS से वहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी। तो आपको कल और शनिवार दोनों दिन ट्रेडिंग की करनी है तैयारी। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी स्वागत करते हैं, कल के बाजार में कहां पर मौके? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के बाजार के लिए दो स्ट्रेटेजी है मेरे पास, दोनों तेजी के तरफ की है। पहला स्ट्रेटेजी कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन, कॉनकॉर में 980 का कॉल 41 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। कॉनकॉर में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, इसके लिए ऑप्शन के जरिए ट्रेड ले। 31 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में टारगेट 51 रुपए का पहला, 58 रुपए 58 रुपीज का दूसरा, तो कॉनकॉर का 980 का कॉल खरीदारी करें। दूसरा स्टॉक ऑटो सेक्टर का महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M का 1920 का कॉल 75 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 75 स्टॉप लॉस लगाना है 55 का, और ऊपर में टारगेट 110 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं 1920 के कॉल के अंदर। ये दो स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी तरफ से कल के बाजार के लिए। बिल्कुल, कल के बाजार में कॉनकॉर और M&M में स्ट्रेटेजी बनाने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सुमित बगड़िया की तरफ से। धन्यवाद सुमित जी, स्वागत, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। अविनाश जी, अब आपसे हम समझना जरा चाहेंगे, पोजिशनली कौन से स्टॉक में खरीदारी की आपकी रहेगी सलाह? अभी पोजिशनल स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स, क्लोजिंग प्राइस जो आज की है वो करीबन 950 रुपीज है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी काफी वेल पोजिशनड है एक शॉर्ट टर्म अपसाइड के लिए, हालांकि लॉन्ग टर्म में तो अभी भी हम काफी पॉजिटिव है, लेकिन 975-980 का एक टारगेट प्राइस हमको लगता है अगले 8 से 10 दिन में पॉसिबल है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 935 का लगा सकते हो, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 8 से 10 दिन के। 8 से 10 दिन के लिए टाटा मोटर्स में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।